इधर भीलवाड़ा में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, तो प्रशासन ने भी कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया है। आज भीलवाड़ा में 5 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं शहर में कर्फ्यू कायम है और जिले में एक दर्जन से अधिक चौकी नाकों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि कल कोरोना पॉजिटिव के 6 नए केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। साथ ही अन्य जिलों और मध्य प्रदेश के नीमच से लगने वाली सभी सीमाएं भी सील कर दी गई। और संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी क्या ताजा हालात नजर आ रहे हैं? भीलवाड़ा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव फिर से मिले। श्वेता, अभी जिला प्रशासन के साथ साथ में पूरी टीम अलर्ट है और पूरी टीम यहां पर जिला कंट्रोल रूम जो बना हुआ है उसमें पुलिस अधीक्षक हरेंद्र मावर और कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के साथ में पूरी टीम घूम घूम कर पूरी चौकस कर रही है। 5 जो थाना क्षेत्र है भीलवाड़ा शहर के, उन 5 थाना क्षेत्रों में पूरी सख्ती के साथ में कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। वो जो सीमाएं सील की गई है, वो जो 13 चौकियां बनाई गई हैं, वहां पर भी पक्का पर नाकाबंदी की जा रही है। न तो शहर में कोई वाहन आने दिया जा रहा है, न शहर से कोई वाहन बाहर जाने दिया जा रहा है। श्वेता, जो दस्तावेज है उनकी जाँच करके जो जरूरी है, अगर किसी को रेफर किया गया कोई हार्ट की समस्या से या किसी समस्या से, उसको अगर रेफर किया गया बाहर, अगर वो रेफर हो रहा है तो भी उसके दस्तावेजों की पूरी जानकारी की जा रही है, तफसील से उसकी जांच की जा रही है। और अभी अभी कुछ देर पहले WHO की एक टीम भी भीलवाड़ा आई है। सांसद सुभाष बेड़िया ने भी इस संबंध में आयुर्विज्ञान केंद्र दिल्ली से संपर्क साधा और वहां से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हस्तक्षेप के बाद में वहां से भी एक टीम रवाना हो गई है। वो भी आज शाम तक भीलवाड़ा पहुंचेगी, वो भी हालात का जायजा लेगी। और जो डायरेक्टर हैं श्वेता मेडिकल हेल्थ बोर्ड के, डॉक्टर के शर्मा, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी मौका देख लिया है। अभी भी ये देख सकते हैं आप कि भीलवाड़ा में कल 6 थे, आज 5 रोगी हुए और पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ऐसे करके भीलवाड़ा में श्वेता 11 रोगी हो गए हैं। इनको देखते हुए अब पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में कल ही आ गया था बेशक, मगर अभी भी जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो मेडिकल हेल्थ को लेकर जो दवाइयां हैं और खास तौर से जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर अभी भी इस तरह की शिकायतें मिल रही है कि आम आदमी से मास्क और खास तौर से सैनिटाइजर के नाम पर ज्यादा वसूली की जा रही है। श्वेता, नवीन बिल्कुल, लेकिन अगर बाजारों के हाल जाने, क्या पूरी तरह से लॉकडाउन है अगर स्पेशल सुविधाओं को छोड़ दिया जाए, हेल्थ सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो? श्वेता, पूरी तरह से बाजार बंद है। कर्फ्यू की पालना के लिए हर एक घंटे में एडिशनल SP राजेश मीणा के साथ साथ में खुद SP खुद घूम रहे हैं 5 थाना सर्कल का, वो बराबर दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर भी उनके साथ में है और कर्फ्यू की पालना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। किसी को भी नहीं आने जाने दिया जा रहा, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी कुछ ही लोगों को अलाउ किया गया है जो शहर में घूम सक रहे हैं, बाकी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और एक जो जिसको कह सकते हैं कि श्वेता, अब पूरा जो फोकस है प्रशासन का वो शहरी सेक्टर में तो है जो है, अब ग्रामीण सेक्टर में भी जो SDM हेडक्वार्टर्स है वहां पर बकायदा अपील की जा रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जनता स्वतः बाजार बंद करके बैठी हुई है, ये श्वेता देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा जिले में जनता एक जागरूकता आज सुबह से देखने को मिल रही है श्वेता, बिल्कुल, और होना भी चाहिए नवीन, क्योंकि भीलवाड़ा में अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उसके अंदर ही पहले कल 6 पॉजिटिव कोरोना वायरस के मिलते हैं पेशेंट और उसके बाद आज 5 और लोग आइडेंटिफाई होते हैं। इन्हें कहाँ पर रखा गया है और कैसे इनके संपर्क के लोगों को तलाशा जा रहा है? श्वेता, आइसोलेशन वार्ड जो भीलवाड़ा में बनाया गया उसके साथ में प्रशासन जिस तरह से कल 6 आए थे आज 5 आए, उसके बाद में प्रशासन ने अपने स्तर पे तैयारी तेज कर दी है। भीलवाड़ा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पे 2000 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए एक तरह से अस्थायी हॉस्पिटल का स्वरूप देने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए पूरी एक स्पेशल टीम लगी हुई है, मेडिकल हेल्थ की प्रशासनिक अधिकारियों की एक पूरी टीम लगी हुई है। उसके अलावा जो अभी आपने एक सवाल किया श्वेता कि ये जो नए मिले इनका क्या, इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ पर इस तरह से 11 आइसोलेशन वार्ड में अभी पॉजिटिव है और बाकी अन्य की अभी भी 7 आदमियों की और प्रशासन को और मेडिकल हेल्थ टीम को जांच रिपोर्ट जयपुर से आने की इंतजार है। बिल्कुल नवीन, लेकिन अब अहम हो जाता है कि अब कल तो 6 मिले थे, आज ये 5 लोग और मिले हैं, अब ये 5 कितने लोगों के संपर्क में थे, ये बड़ी चुनौती रहेगी उन्हें ढूंढना, उनके जांच सैंपल को भेजना? बिल्कुल श्वेता, इसके लिए जो CMHO है डॉक्टर मुश्ताक खान, उनके नेतृत्व में जो 300 टीमें बनाई गई भीलवाड़ा शहर में, अब उस पर फोकस किया जा रहा है। जो लोग ये पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये किन किन के संपर्क में बीते 10 दिन में आए, उनको भी खोजने के लिए
और जो जो लोग इनके संपर्क में इनके परिवार के, इनकी स्क्रीनिंग अब शुरू कर दी है। मेडिकल की 300 टीमें भीलवाड़ा शहर में घूम रही है, वो घर घर जाके सर्वे कर रही है। उसके अलावा जो ये नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन पर फोकस किया जा रहा है, उनके आसपास के 50-50 घरों का अलग स्पेशल सर्वे और टीम कर रही है। श्वेता चलिए शुक्रिया नवीन, नजर बनाए रखिए क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन भीलवाड़ा में हो गई है। कल 6 और आज 5 पॉजिटिव मिले हैं, आगे भी बहुत और पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि जाँच भी जारी है और एहतियात भी बरता जा रहा है, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।